नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर फिरोजाबाद से बताई जा रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर फिरोजाबाद से। अशोक कुमार ने किया नगला जोड़े में हुई सर्वेश की हत्या का सनसनीखेज खुलासा। आपको बता दें, मृतक की पत्नी ने ही अपने प्रेमी संग मिलकर की थी पति की हत्या। जी हां, अधिक बंदिशें बताया हत्या का कारण। दोनों ने तकिया मुंह पर रखकर गला दबाकर मारा था व्यक्ति को। फिरोजाबाद के पुलिस लाइन सभागार में एसएसपी अशोक कुमार ने वार्ता के दौरान स्वाट टीम व नगला खंगर पुलिस टीम द्वारा 31 मई 2021 को नगला जोरे में सर्वेश की हुई हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया गया। उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। आगे बताया कि थाना नगला खंगर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नगला जोरे में एक व्यक्ति सर्वेश कुमार पुत्र नाथूराम की हुई हत्या के संबंध में थाना नगला खंगर पर धारा 302, 323, 506 भादवी बनाम राजन सिंह, दीवान सिंह, रामपाल पुत्र गढ़ नाथूराम, अनुज पुत्र दीवान सिंह निवासी गढ़ नगला जोरे थाना नगला खंगर फिरोजाबाद पंजीकृत किया गया था। उनके निर्देशन में मामले के सफल अनावरण को स्वाट टीम को लगाया गया था, जिसमें एसपी ग्रामीण व सीओ सिरसागंज के कुशल निर्देशन में स्वाट टीम द्वारा 7 दिनों तक नगला जोरे में कैंप किया गया, जिसमें गहन छानबीन के बाद सनसनीखेज खुलासा सामने आया। स्वाट टीम एवं नगला खंगर पुलिस के ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर सामने आया कि मृतक सर्वेश की हत्या उसकी पत्नी सरोज उम्र 30 वर्ष पुत्री किशनपाल निवासी राजा कताल थाना टूंडला व सरोज के प्रेमी गोलू उर्फ गौतम पुत्र भारत सिंह निवासी नगला जोरे द्वारा की गई है। दोनों को स्वाट टीम व नगला खंगर पुलिस द्वारा 10 जून 2021 को गड़िया पंचवटी के पास एक्सप्रेसवे पुल के ऊपर से गिरफ्तार कर लिया गया, जिनको लेकर विधिक कार्यवाही जारी है। बताया गया कि 28 मई 2021 को जिन पर इल्जाम लगाया उनके द्वारा मारपीट की गई, इसीलिए उनका नाम तहरीर में दिया। इस प्रकार निष्पक्ष कार्यवाही कर गंभीरता से साक्ष्य संकलन के परिणाम स्वरूप 4 नामित आरोपी जो निर्दोष थे जेल जाने से बच गए। उक्त दोनों पुलिस टीमों को एसएसपी अशोक कुमार द्वारा 10,000 का नगद पुरस्कार दिया गया। पूरी खुलासा क्या है? देखिए, नगला खंगर थाने में एक घटना घटी 28 तारीख को। मारपीट किया इन लोगों ने, और चार भाई थे, सगे भाई थे। समर्सिबल लगाने के लिए विवाद हुआ। एक भाई को ढकेल दिया गया, उसको चोट लग गई। वही तीनों भाई गए, उसका इलाज उलाज कराया कि ले आए। 2-3 दिन घर में रहा, फिर वो उसकी मृत्यु हो गई। 1 तारीख को मृत्यु हो गई। जब पोस्टमार्टम कराया गया तो पता लगा उसको थ्रॉटलिंग हुई है, गला दबा के मारा गया है। तो फिर शंका हुई, जब ऑफेंस लिख के आया तो मुकदमा कायम हुआ। मैंने ज्वाइनिंग 2 तारीख को ज्वाइन किया। मैं किसी और घटना में जा रहा था, वहाँ भी महिला ने पति की हत्या की थी, तो मैं इस घटना पे पहुँच गया। तो मैंने देखा, लोगों ने, गांव वालों ने बताया कि सर, ये जो तीनों भाई नेम्ड, इसकी पत्नी ने, मृतक की पत्नी ने FIR लिखा दिया उन तीनों भाइयों के खिलाफ। तो गांव वालों ने कहा, सर वो तीनों भाई तो चीटी नहीं मार सकते, वही तो इसका इलाज कराए, वही इसको घर में लेके आए, इसमें कुछ रहस्य, आप जानकारी करिए। मैंने कहा ठीक है। हम लोग जानकारी की, हमारी स्वाट की टीम लगी, हमारा इंस्पेक्टर लगा। बाद में खुलासा ये हुआ कि ये उनकी जो पत्नी सरोज सो कॉल्ड वादिनी हैं, इनके प्रेमी हैं गोलू, उसी गांव के। ये दोनों लोग मिल करके रात में उसका गला दबाए थे, इसका खुलासा हुआ। और तीन आदमी जो नेम्ड थे, सगे भाई थे, सगा भाई, सगे भाई के मरने में जेल जाता तो कितनी बड़ी विसंगति पैदा होती। तो इसलिए उन तीनों की जिंदगियों को बचाया गया और एक फर्जी अपराध बढ़ने से रोका गया। और हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, स्वाट टीम के प्रभारी ने और इंस्पेक्टर नगला खंगर ने। इनाम घोषित किया था? इनाम इनको 20,000 रुपये का मैंने घोषित किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई निर्दोष जेल चला जाता तो जिंदगी भर के लिए उसका विश्वास कानून से उठ जाता। उपलब्धि इस बात की है कि कानून व्यवस्था में लोगों का विश्वास बना रहेगा, पुलिस में विश्वास बना रहेगा, ये इसकी उपलब्धि है। क्या कह रहे हैं आप? प्रेम प्रसंग के चलते हैं। यस, बिल्कुल प्रेम प्रसंग है, क्योंकि पति पत्नी की उम्र में करीब 15 से 18 साल का अंतर है। और वो शराब पी के ऐसे रहता था, कोई जिम्मेदारी नहीं निभाता था। ये लड़का, आप इससे बात करिएगा, कम उम्र का है, इसके संबंधों से डेवलप हो गए थे। लेकिन इन लोगों ने जो ये घटना अंजाम दिया, ये गलत किया, इनके खिलाफ़ हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं, इनको जेल भेज रहे हैं। ठीक है।